नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 राज्य की शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों, हमें राज्य की शासन व्यवस्था जो है उसके विषय में इस पाठ में जानकारी दी गई है कि किसी भी राज्य में जो है शासन व्यवस्था किस प्रकार की हो, तो लोग जो है उनके सुख सुविधाएं पूरी हो तथा सरकार को भी जो है वहाँ पे आए हो और सभी लोग जो है राज्य की प्रजा वे शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके। तो यहाँ पे आपको राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसके विषय में बताया गया है जो हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे देश का संचालन 3 स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर। तो विद्यार्थी, यह हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो संचालन है वह 3 स्तर पर होता है। स्थानीय स्तर पर होता है तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं तो वहाँ की सरकार वह कार्य संभालती है वहाँ का। और राज्य स्तर पर जो है वहाँ की सरकार जो है राज्य सरकार वह राज्य स्तर पर सभी कार्य संभालती है कि राज्य के लोगों को कौन कौन सी सुख सुविधाएं प्रदान करवाना वगैरह, तो यह सारा कार्य जो है राज्य सरकार करती है। और केंद्रीय स्तर पर जो है वह राज्य की जो केंद्र स्तर है, केंद्रीय स्तर की सरकार है वह पूरे शासन की व्यवस्था संभालती है कि पूरे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश का संचालन 3 स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के कार्यकलाप के बारे में जान चुके हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है, राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करती है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या है, लोग सरकार के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह करते हैं, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग की किस तरह करते हैं, इन प्रश्नों पर सोचने हेतु हम स्वास्थ्य संबंधी एक प्रश्न का उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो है स्थानीय स्तर पर सरकार किस तरह से कार्य करती है। विद्यार्थी, यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आप इसके विषय में जान चुके हैं, जिसमें आपने नगर पालिका और महानगर पालिका के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे इस प्रकरण में जो है हम लोकतंत्र में राज्य स्तर पर कैसे संचालन होता है, राज्य सरकार किस प्रकार से और कौन कौन से कार्य करती है, विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की भूमिका क्या होती है, वे लोग किस तरह से कार्य करते हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं और उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके कि लोग सरकार के सामने जो है अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह से करते हैं, लोग शासन के सामने कैसे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, कैसे अपने विचार रखते हैं और किसी कार्य की मांग किस तरह से करते हैं, इन सभी प्रश्नों पर यहाँ पे सोचने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि टीवी समाचार में बताया है कि कॉलेरा के कारण सूरत में 10 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पे जो है यह सबसे पहले बताते हैं कि टीवी समाचार में यह बताया है कि कॉलेरा के कारण जो है सूरत में 10 लोगों की मौत हुई, क्या सही में रोग से लोग मर सकते हैं? तो यहाँ पे दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या लोग जो है वे सही से रोग के कारण मर जाते हैं? तो एक दूसरा व्यक्ति है वह कहता है, क्या मालूम, बस मुझे यह रोग ना हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि पता नहीं, बस लेकिन मुझे यह रोग ना हो। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें बताया है कि यह रैली कैसी है। तो यहाँ पे आपको जो है एक रैली का चित्र बताया गया है, जो ये लोग पूछते हैं कि यह रैली कैसी है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, शायद कॉलेरा के रोग संबंधी शिकायत लगती है। हमारी मांग है कि संचालन तंत्र तुरंत ही कॉलेरा के रोग को नियंत्रण में लाने के कदम उठाए और स्वच्छता और दवा के छिड़काव पर ध्यान दे। तो यहाँ पे यह बताते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी यह मांग है कि संचालन तंत्र जो शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं वे लोग तुरंत ही कॉलेरा के रोग को नियंत्रण किस तरह से लाए, उसके लिए कौन कौन से उपाय करें, उसके लिए कदम उठाए और स्वच्छता और दवा के छिड़काव जो है उस पर ध्यान दे। तो यहाँ पे आगे बताया है कि रैली को संबोधित कर रहे हैं वे नेता लगते हैं, कि जो रैली को संबोधित कर रहे हैं वे हमें नेता लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि हाँ, मैंने उन्हें टीवी पर भी देखा है, वे नेता है। तो वे कहते हैं, दूसरा व्यक्ति यह कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें कई बार टीवी पर भी देखा है और वे नेता
है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इस उदाहरण में यह समझाया गया है कि कोई भी प्रसंग हो, किस प्रकार से कोई घटना हो, तो यहाँ पे लोग जो है सरकार तक किस तरह से अपने प्रश्न और अपनी मांग पहुँचाते हैं। तो विद्यार्थी, यह उसके आगे का है, हम उसके विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।